हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन टॉपिक डिज़ाइन ऑफ पेमेंट थिकनेस बाय यूजिंग ट्रायएक्सियल मेथड। सो गिवन डेटा हमारे पास प्रॉब्लम में है कि हमें एक पेमेंट सेक्शन डिज़ाइन करना है जिसमें आपका व्हील लोड कितना है, 4100 kg, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, ट्रैफिक कॉफिशियंट एक्स 1.5, रेनफॉल कॉफिशियंट वाई 0.9, डिज़ाइन डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन दैट इज़ गिवन 0.25 सेंटीमीटर। अगर आपको ये गिवन नहीं भी है तो आपकी वैल्यू फॉर डिज़ाइन कॉफिशियंट और स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन 0.25 सेंटीमीटर ही रहेगी। नेक्स्ट वी हैव इलास्टिक मॉडुलस वैल्यू सब ग्रेड ऑफ सब ग्रेड मटेरियल 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, एंड फॉर इलास्टिक मॉडुलस वैल्यू फॉर द बेस कोर्स मटेरियल इज 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, एंड द इलास्टिक मॉडुलस वैल्यू फॉर 7.5 सेंटीमीटर थिक बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस इज 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप लेयर की तरफ जाते हैं थ्रू सब ग्रेड टू बेस कोर्स टू बिटुमिनस, जबकि ई वैल्यू क्या है वो इंक्रीज कर रही है। ई वैल्यू इंक्रीज कैसे कर रही है, जबकि इलास्टिक मॉडुलस है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे है, स्ट्रेस पे। जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा वहाँ पे आपकी ई वैल्यू ज़्यादा, मीन्स जो आपकी बिटुमिनस लेयर जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है व्हील लोड पे, तो मीन्स वहाँ पे स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे आपकी क्या है ई वैल्यू क्या है मैक्सिमम है उस मटेरियल की। और सब ग्रेड में क्या है, वहाँ पे आपकी स्ट्रेसेस अब्जॉर्ब हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, सो वर्टिकल डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड, दैट्स वाई द ई वैल्यू इज लेसर देन ऑल ऑफ द लेयर्स। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास ट्रायएक्सियल मेथड का फॉर्मूला क्या है, दैट द थिकनेस ऑफ द पेमेंट इज इक्वल टू 3 px/2 πe डेल्टा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का टोटल अंडर रूट इंटू es/p 1/3। अब जैसे कि हमारे पास हर लेयर की ई वैल्यू गिवन है, तो उस हर लेयर के हम लेयर की थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे कि हमने देखा है कि TP इज दी थिकनेस ऑफ द पेमेंट लेयर, तो इस TP को अगर मैं TB से रिप्लेस कर दूं, TB मीन्स थिकनेस ऑफ बेस कोर्स, ठीक है जी। थिकनेस ऑफ बेस कोर्स से अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो आपके यहाँ पे बेस कोर्स की थिकनेस के लिए हमें क्या चाहिए, सब ग्रेड का इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। और जो हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन मॉडिफाई की थी बाय फॉर इन कंसिडरिंग दिस स्टिफनेस फैक्टर्स, तो वहाँ पे हमने फैक्टर्स क्या यूज़ किए थे, स्टिफनेस फैक्टर es/ep। तो जैसे कि हम पेमेंट थिकनेस अब किसकी निकाल रहे हैं, बेस कोर्स की, तो ये आपकी ep की जगह हम यहाँ पे ep क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा थिकनेस ऑफ बेस। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। थिकनेस ऑफ बेस कोर्स लेयर थिकनेस इज इक्वल टू 3। पी कितना है हमारे पास, पी इज गिवन 4100, ट्रैफिक कोएफिशिएंट इज 1.5, एंड रेनफॉल कॉफिशेंट 0.9 डिवाइड बाय 2 π इंटू ई एस। ई एस इज द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड दैट इज गिवन 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो पुट द वैल्यू ऑफ ई एस इंटू डिज़ाइन डिफ्लेक्शन, कितना डिज़ाइन डिफ्लेक्शन हमारे पास 0.25। अगर ये एग्जाम में गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम में, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 2.5 ही रहेगी होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर आपका क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया विच इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब इनटू आएगा आपका स्टिफनेस फैक्टर,
आपका फर्स्ट पार्ट आ गया इनटू स्टिफनेस फैक्टर। स्टिफनेस फैक्टर क्या है? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड दैट इज 100 बाय इलास्टिक मॉडुलस ऑफ, हम थिकनेस किसकी निकाल रहे हैं? बेस कोर्स की। तो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बेस कोर्स वो क्या है हमारे पास? 400। तो 100 बाय 400 रेज टू पावर 1/3। सॉल्व करते हैं इसको। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द थिकनेस ऑफ पेमेंट, थिकनेस ऑफ बेस कोर्स लेयर इज कम्स आउट टू बी 65.9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? थिकनेस ऑफ बेस कोर्स लेयर। तो ट्रैक्सल मेथड में जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, इस इक्वेशन की स्पेसिफिकेशन क्या थी? इस इक्वेशन में जो पेमेंट लेयर को क्या है, एक सिंगल लेयर अज्यूम करके सॉल्व किया है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी पेमेंट है वो दो या तीन लेयर्स का कॉम्बिनेशन ना होके क्या है, एक सिंगल लेयर है। ये एज्यूम करके इस इक्वेशन से हम पेमेंट थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बेस कोर्स लेयर की थिकनेस कैलकुलेट की है बाय यूजिंग द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बेस कोर्स एंड सब ग्रेड, तो एक्चुअल में ये क्या है? ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायएक्सियल मेथड ऑफ सिंगल लेयर सिस्टम, ये अजम्पशन थी हमारी ट्रायएक्सियल मेथड में कि सिंगल लेयर सिस्टम है। तो सिंगल लेयर सिस्टम के अजम्पशन पर जो हमारे पास ये बेस कोर्स थिकनेस आई है, ये एक्चुअल क्या है? इट इज द टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट। नाउ लेट 7.5 सेंटीमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस बी इक्विवेलेंट टू थिकनेस ऑफ बेस कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम जो आपका स्टिफनेस कॉफिशेंट है उस रिलेशन को यूज करेंगे। जब हमने रिलेशन कैलकुलेट की थी फॉर द इक्विवेलेंट पेमेंट, तो क्या था उसमें कि आपका थिकनेस ऑफ वन लेयर बाय थिकनेस ऑफ सेकेंड लेयर दिस इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सेकेंड लेयर बाय इलास्टिक मॉडुलस ऑफ फर्स्ट लेयर रेज टू पावर 1/3। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की थी लास्ट लेक्चर में। तो इस इक्वेशन के यूज करके हम आपकी बेस कोर्स की थिकनेस निकालते हैं। तो रिप्लेस कर दो यहाँ पे वन को, क्या निकालना है हमें? थिकनेस ऑफ बेस कोर्स, तो ये बन गया टी बी बाय टी सी। टी सी इज दी थिकनेस ऑफ टी सी इज दी थिकनेस ऑफ बिटमिनस कंक्रीट सरफेस। सो नेक्स्ट इक्वल टू ए टू आपका बन जाएगा ई सी, और ई बी बन जाएगा, ई वन बन जाएगा आपका ई बी। वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, टी बी की थिकनेस हमें मीन्स थिकनेस ऑफ बेस को हमें कैलकुलेट करनी है। थिकनेस ऑफ बिटमिनस कंक्रीट सरफेस गिवन है दैट इज 7.5 इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बिटमिनस कंक्रीट सरफेस। क्या गिवन था हमें? इलास्टिक मॉडुलस 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपका 1000 kg
बाय इलास्टिक मॉडुलस ऑफ बेस कोर्स, वो कितना हमारे पास 400। सॉल्व करते हैं इसको, 1/3। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट थिकनेस ऑफ बेस कोर्स इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड बेस कोर्स थिकनेस विल बी, टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट क्या कैलकुलेट की थी हमने, 65.9 माइनस 10.2 जो हमने बेस कोर्स की थिकनेस कैलकुलेट की है, ये हमारे पास आ गई आपके बेस कोर्स की थिकनेस 55.7 सेंटीमीटर। सो तो आपका पेमेंट सेक्शन इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है कि पेमेंट सेक्शन में आपकी 55.7 थिक क्या रहेगी, WBM कोर्स जो कि एज ए बेस कोर्स यूज होगी। मीन्स बेस कोर्स कितना है आपके पास, 55.7 सेंटीमीटर, एंड बिटमिनियस कंक्रीट सरफेस लेयर का थिकनेस कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको सेक्शन डिज़ाइन करके बताना पड़े तो सेक्शन कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये आपकी टॉप लेयर आ गई बिटमिनियस लेयर जिसकी थिकनेस कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। इसके नीचे हमारे पास क्या है, बेस कोर्स, ये तो आ गई आपकी बिटमिनियस कंक्रीट सरफेस। बेस कोर्स जो हमने ये कैलकुलेट किया है, ये आ गया आपका 55.7 सेंटीमीटर। बेस कोर्स के नीचे क्या रहता है आपका, नेचुरल सॉइल सब ग्रेड और कंपैक्टेड सब ग्रेड एज रिक्वायर्ड, ये आपके आ गया 3 सब ग्रेड, ठीक है, कंपैक्टेड सब ग्रेड। ई वैल्यू लिख देंगे इनकी, इसकी क्या थी 100 थी, बेस कोर्स की 400 एंड कंक्रीट सरफेस की पेमेंट किसकी, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेक्शन डिज़ाइन कर दिया फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आपने खुद सॉल्व करके देखनी है। डाटा आपको मैं दे देता हूँ, इसे आप सॉल्व करके देखना। ट्रायएक्सियल मेथड ही यूज़ करना है। वी लोड गिवन है यहाँ पे 5100 kg, ई वैल्यू फॉर सब ग्रेड इज 90 kg सेंटीमीटर स्क्वेयर, एंड ई वैल्यू फॉर दी पेविंग मटेरियल, पेविंग मटेरियल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिटमिनस सरफेस की, कितना है, 900 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। टायर प्रेशर इज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। ट्रैफिक कोफिशिएंट दैट इज एक्स इज गिवन एज 1.25, एंड सैचुरेशन कोफिशिएंट दैट इज वाई गिवन एज 0.8। वी हैव टू डिजाइन द पेमेंट सेक्शन बाय यूजिंग ट्रायएक्सियल
मेथड, आपको पेमेंट सेक्शन डिजाइन करना है। बाय यूजिंग ट्रायंगल मेथड। अब देखिए इसमें क्या है, हमें टायर प्रेशर गिवन है। तो टायर प्रेशर क्या, टायर प्रेशर क्या था हमारे पास, टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट प्रेशर। देखिए बाकी न्यूमेरिकल सारे सेम है, सिर्फ इसमें ये एक चीज़ डिफरेंट है, वो बता देता हूँ। न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके देखना, टायर प्रेशर या फिर कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या था ये हमारे पास, दिस इज इक्वल टू व्हील लोड। कॉन्टैक्ट प्रेशर इज इक्वल टू व्हील लोड बाय व्हील लोड बाय कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ इम्प्रिंट। तो व्हील लोड हमारे पास यहाँ गिवन है ही, हमें व्हील लोड क्या गिवन है आपका, 5100। अब रहेगी बात एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ इम्प्रिंट, कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ इम्प्रिंट हम क्या लेके चलते हैं, पाई ए स्क्वायर है। उस इम्प्रिंट को सर्कुलर रिज्यूम करके उससे हम उसका रेडियस स्मॉल ए लेके रिज्यूम करके चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे पी इज इक्वल टू दिस, और कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर आपको गिवन क्या है, दिस इज गिवन एज 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका ये केजी में यूनिट सेम है, तो आपका ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू बाय पाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × π, और ए इज इक्वल टू 15.5 हमारे पास ये आता है 15.03 सेंटीमीटर। तो जब आपका कॉन्टैक्ट रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आ गया आपके पास, 15.03 सेंटीमीटर, और अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर। तो ये आपने यूज़ करनी है ट्रायंगल मेथड में वैल्यू। बाकी सारा न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व होगा, सिर्फ आपको टायर यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया की जगह आपको टायर प्रेशर गिवन था, वो हमने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। बाकी बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई होप यू